अरे तेरे फेस पे पिंपल है, साफी पी लेना, पूरा ठीक हो जाएगा। अरे तेरे फेस पे इतने पिंपल है, और कुछ ट्राई कर या ना कर, साफी कभी मत पीना, उल्टा बढ़ जाएगा। कुछ ऐसा ही सिचुएशन आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि साफी का एड्स टीवी में दिखाया जाता है कि ये पिंपल किलर है, पूरा चला जाएगा पिंपल। सारी के सारे आयुर्वेदिक स्टोर में ये तो रहता ही है, तो हम सोचते रहते हैं कि हमारे पिंपल एक्ने प्रॉब्लम के लिए साफी पी ले क्या पूरा पिंपल दूर हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। बहुत सारा कंफ्यूजन, तो आज इस वीडियो में मैं आपकी सारा का सारा कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। तो मैंने खरीद लिया था साफ़ी का सबसे बड़ा बॉटल, और ये तो मैं ख़त्म ही नहीं कर पाई। ये 500 ml की बॉटल है, जो बहुत बड़ा सा एक बॉटल है, बट इसमें बहुत सारा अच्छा खासा अमाउंट में ही रहता है। और ये जो साफ़ी लिक्विड है, ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, तो बहुत कम अमाउंट में लगता है, तो मैं अभी आपको वही दिखाने वाली हूँ। सो ये है वो बॉटल। तो ये हमदर्द कंपनी का बना हुआ एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसके बारे में बाद में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी, आगे आप वीडियो देखते जाइए, पहले आप इसका कंसिस्टेंसी देख लीजिए। तो इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके का होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो मैं ये लेती थी आफ्टर मील, बेड टाइम मैं ये लेती थी, और इतना अमाउंट के साथ मैंने एक ग्लास पानी मिला के लेती थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्यूटी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। आज मैं एक बहुत ही खास प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि है एकदम कंट्रोवर्शियल टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम है साफी। सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ साफी क्या है, फिर मैं शेयर करने वाली हूँ साफी क्या करता है, और फिर मैं ये भी शेयर करने वाली हूँ कि साफी पीने से मेरे ऊपर क्या असर पड़ा है, बुरा या अच्छा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल न भूले। सो फ्रेंड्स, साफी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपके खून को यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटी है जिसके कारण ये आपके खून में उपस्थित बहुत सारे बैड एंजाइम्स और बहुत सारे टॉक्सिन को रिमूव करता है। ऐसे ये आपके खून को एकदम सीफ की तरह काम करता है, यानी कि छानने की तरह काम करता है और आपके खून को विशुद्ध करता है, ये इसका क्लेम है। लेकिन ये किस हद तक काम करता है और कुछ लोगों को ये सूट क्यों नहीं करता, वो मैं अभी बोलने वाली हूँ। हम सभी को पता है कि हम सभी को कुछ न कुछ प्रोडक्ट्स बहुत सूट करता है और कुछ न कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी हमारी स्किन के साथ नहीं जाता है। और ऐसे बहुत सारे फूड्स है जो खाने से हम ठीक ठाक रहते हैं, और कुछ कुछ ऐसे फूड्स हैं जो खाने से हमें एलर्जी होती है, कि जैसा कि कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी है, कुछ लोगों को पपाया से एलर्जी है, जैसा कि मैं पपाया खाने से मुझे बहुत छींक आती है, आंखें भी थोड़ा लाल लाल हो जाती है, ये मुझे होता है रॉ पपाया खाने से। तो आपको भी ऐसा कुछ होता होगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी कुछ ना कुछ चीजों से रिएक्ट करती है, क्योंकि सबकी बॉडी थोड़ी अलग है, बहुत सारे हार्मोन्स या एंजाइम्स ये सब के कारण ये थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होने के कारण हो जाता है ऐसा। तो उसी के कारण सफी में बहुत सारी जड़ी बूटियां है, बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि है, औषधि गुण है इसमें, इसलिए कुछ लोगों की ये सफी पीने से असर अच्छा तो होता ही नहीं है, उल्टा बुरा हो जाता है, यानी कि पिंपल कम तो नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है। लेकिन जिन लोगों को ये काम करता है उन लोगों को अच्छा खासा काम करता है, यानी कि उन लोगों का ब्लड प्यूरिफाई होता है। और हम सभी को पता है पिंपल होते हैं जर्म्स के कारण, आपकी स्किन बाहर से अगर साफ ना रहे तो भी पिंपल हो सकता है, आपकी ब्लड अगर विशुद्ध नहीं होंगे तो आपको पिंपल हो सकता है, ये है अंदर से। तो ये दोनों कारण की वजह से पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए ही साफी का गुण, अगर आपको साफी सूट करता है तो आपको पिंपल एक्ने बंद होगा। लेकिन जब भी आप ये पीना छोड़ देते हैं तभी वो सब चीजें बंद हो जाता है और ये सब काम भी बंद हो जाता है। इसके साथ साथ आपके पिंपल एक्ने आना फिर से शुरू हो सकता है, चांसेस है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% फिर से शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों को कम हो जाता है, कुछ लोगों को पूरा बंद हो जाता है, कुछ लोगों को वैसे की वैसे ही रहता है। यही कारण है अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग असर का। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस। मैंने साफी लिया था लगभग 3 to 4 weeks तक, और ये इसका टेस्ट जैसा कि आप जानते ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सब लोग ही ये मानते हैं कि ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, स्मेल भी अच्छा नहीं है, एकदम दवाई जैसा है, और टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं पीती थी, क्योंकि मैं सोचती थी अरे मेरे जो कभी कभार एक दो पिंपल आते हैं अगर वो भी बंद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक टाइम पे थोड़ा बहुत था मेरा पिंपल, तो उस टाइम मैं साफी लेती थी, लेकिन जब मैंने बंद कर दिया तब फिर से वैसा का वैसा ही रह गया। मुझे इसका बुरा असर तो नहीं दिखा, लेकिन ज्यादा अच्छा असर भी मेरे ऊपर नहीं पड़ा।
हाँ एक बात मैं जरूर बोलूंगी क्योंकि सफी पीने के बाद मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो गया था। खराब नहीं था पहले से, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पहले से बेटर है और कुछ भी नहीं फर्क पड़ा मुझे। पिंपल अगर सच में ही आपको क्लीन करना है तो आपको अंदर से और बाहर से एकदम हाइजीनिक रहना पड़ेगा, ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने पड़ेंगे, इतनी चीजें खाने पड़ेंगे, जल्दी सोना पड़ेगा और साथ साथ अपने पिलो कवर, मोबाइल फोन, रुमाल, ये सब जो आप चीजें मुंह के साथ आपके फेस के साथ कॉन्टेक्ट होता है वो सब चीजों को एकदम साफ रखना पड़ेगा आपको। और साथ साथ जो पिंपल किलर है यानी कि एक ही चीज वो है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल आप अभी से शुरू कर दो। टी ट्री ऑयल पिंपल के ऊपर लगाते ही आपका पिंपल 2 दिन के अंदर एकदम गायब हो जाएगा विथ नो मार्क्स लेफ्ट इन योर फेस। आपका स्किन एक्ने या पिंपल प्रोन है यानी कि होने के चांसेस रहता है, तो आप एलोवेरा जेल के साथ टी ट्री ऑयल मिला के एवरीडे वो लगाना स्टार्ट कर दो, तो ऐसे आपका पिंपल और एक्ने पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। आप एक्ने प्रॉब्लम अगर ज्यादा होता है तो एक्ने स्टार नाम की एक क्रीम आता है वो लगा सकते हो। ये सब चीजें काफी बेहतर है क्योंकि मैं कोई दवाई नहीं तो लेना चाहती हूँ और ना ही आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ। और साथ साथ मुझे ये भी नहीं पता कि आपकी बॉडी के ऊपर वो कैसा इफेक्ट करेगा। आप ऐसे थोड़ा कोशिश करके देख सकते हो कि आप पी पाते हो या नहीं, क्योंकि वो टेस्ट अच्छा नहीं है उसका। और बहुत सारे लोगों को पिंपल बढ़ जाता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि उनकी बॉडी के साथ वो सूट नहीं करता है। आप ट्राई करके देख सकते हो कि आपकी बॉडी के साथ वो सूट करता है या नहीं, शायद करता होगा शायद नहीं करता होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका पिंपल कहीं बढ़ ना जाए, इसलिए मैं डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूंगी आपको। अगर आप चाहते हो तो आप कोशिश करके देख सकते हो। अगर आप ऐसे किसी को जानते हो साफी जो पीते हैं उनके पास से आप थोड़ा सा लेके आप वो 3-4 दिन देखो, अगर आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कुछ इफेक्ट पड़ रहा है उस हिसाब से आप ये पी सकते हो। ओवरऑल मैं यही बोलूंगी कि सफी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता। अदर डर्मेटोलॉजी प्रोडक्ट्स है जैसा कि उसी तरह ही कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता है। फॉर अ चेंज आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अगर आपको डर लग रहा है कि कहीं पिंपल बढ़ ना जाए देन ट्राई मत करो। अगर आपका स्किन पिंपल और एक्ने प्रोन बिल्कुल भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता कि साफी की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि बाजार में और भी दवाई मिलते हैं। आप योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, आसना कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। इसके लिए साफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छा करने जाए तो अगर उल्टा हो जाएगा वो तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो यही सब चीजों के कारण मेरा जो साफी है वो आधा बॉटल मैंने पिया और बाकी आधा ऐसे ही रह गया। मैंने छोड़ दिया पीना क्योंकि एक तो टेस्ट अच्छा नहीं था, ऊपर से कोई काम भी नहीं बन रहा था। और बहुत सारे टीनेजर दोस्तों के होता ही रहता है ये, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो कि वो लोग बहुत परेशान होते होंगे पिंपल और एक्ने प्रॉब्लम से, बिल्कुल उनको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हो। जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि हरे हाथ साफी खरीद लेते हैं शायद उनसे पूरा ठीक हो सकता, जबकि ऐसी बात पार्शियली ट्रू है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।